हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या एनालिसिस में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जितने भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं उसमें प्रमुख पुस्तक एवं लेखक के बारे में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तब जितने भी सरकारी नौकरी का आपका दोस्त जितने भी तैयारी करते हैं उनके पास ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। बताइए किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। तो इसका उत्तर नंबर 2 होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक रनर हैं, एथलीट हैं, और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 में पूछ लिया गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए। रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज क्वाड ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज क्वाड ऑपरेशंस, तो रो का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये पुस्तक रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज क्वाड ऑपरेशंस लिखा गया है यतीश यादव के द्वारा। तो इसका उत्तर नंबर 2 होगा यतीश यादव। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो इसका उत्तर नंबर 3 होगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर डैश की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है बताइए कमेंट बॉक्स में, किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है ब्रेक ओबामा का। यह आत्मकथा किसकी है? ब्रेक ओबामा। और ब्रेक ओबामा कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका उत्तर नंबर 4 होगा ब्राक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा है बताइए? पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा है? यह पुस्तक है पंचतंत्र, किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका उत्तर नंबर 3 होगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूं मुगल वंश का शासक था। इनके पिताजी का नाम बाबर था और इसके बेटे का नाम था अकबर, और अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, और शाहजहां का बेटे का नाम था औरंगजेब। तो हुमायूं नामा पुस्तक इनकी बहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उनका नाम है गुलबदन बेगम। तो इसका उत्तर नंबर 4 होगा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यमा पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है यमा, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? इस पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर नंबर 2 होगा महादेवी वर्मा। उत्तर नंबर 2 महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं, उत्तर नंबर 1 होगा विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवंतरी सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक है अवंतरी सुंदरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? कौन है इस पुस्तक के लेखक? अवंती सुंदरी, इस पुस्तक के लेखक है डंडी। तो इसका उत्तर नंबर 3 होगा डंडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक है प्रेम वाटिका, इस पुस्तक के लेखक कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं रस खान। तो इसका उत्तर नंबर 1 है, 1 होगा रस खान। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अगले वीडियो में ऐसा ही वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।